बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तारीख के आईने में खुश आमदी। दोस्तों, दुनिया में कई ऐसी हैरान जगहें मशहूर हैं जो कि आज के जदीद टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी महक्कीकीन के लिए सवालिया निशान है। इससे कबल हमने हैरान कुन अहराम मिस्र के बारे में तफसीली गुफ्तगू की थी, क्योंकि इन अहरामों का राज भी आज तक नहीं ढूँढा गया। इसी तरह आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमरीका में मौजूद मौत की वादी के बारे में, जो आज तक माहिरीन के लिए एक सवाल बना हुआ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाजरीन, अमेरिका में मौजूद मौत की वादी जहां हरकत करते हुए पत्थर पाए जाते हैं, आप देख सकते हैं कि इस वादी में कई लकीरें नज़र आ रही हैं जिनका सिरा चंद पत्थरों पर जाकर ख़त्म होता है, और ये लकीरें पत्थरों की हरकत की तरफ इशारा करती हैं। कुदरती तौर पर ये पत्थरों की हरकत को लेकर कई साइंसदानों ने मफरूज़े पेश किए, लेकिन वो तमाम मफरूज़े कामयाब ना हो सके। आखिर पूरी एक सदी गुजर जाने के बाद एक मफरूज़े ने इन पत्थरों की हरकत की वजह दरियाफ्त करने का दावा किया है। नाज़रीन, इस वादी में छोटे पत्थरों से लेकर मुख्तलिफ चट्टानें भी अपने अपने वक्त के साथ जगह बदलती हैं। इन पत्थरों की हरकत नहायत ही सुस्त रफ्तार है, क्योंकि 3 से 4 साल बाद ये पत्थर या चट्टानें कुछ हद तक फासला तय करती हैं, क्योंकि इस वादी में नज़र आने वाली ये लकीरें पत्थरों की इस हरकत को साबित करती हैं, और एक नज़रिए के मुताबिक ये पत्थर जुदा जुदा फासला तय करते हैं। इनमें से बाज पत्थर 10 फीट से लेकर 100 फीट तक का फासला भी तय करते हैं। इस बारे में कई नज़रियात पेश किए गए हैं, जिनमें से एक नज़रिया ये है कि ये पत्थर एक ना दिखने वाली मकनातीसी कुवत के बायस हरकत करते हैं। इसके अलावा एक नज़रिया ये भी पेश किया गया कि कुछ तूफ़ानी हवाएं इन पत्थरों को जगह तब्दील करने में मदद करती हैं, लेकिन ये तमाम नज़रियात सिर्फ ख्यालात पर ही मबनी हैं, क्योंकि ना तो किसी ने इन पत्थरों या चट्टानों को हरकत करते हुए देखा है और ना किसी ने इनकी हरकतों को रिकॉर्ड किया। इसलिए ये पुरेसरार वादी लोगों की तवज्जो का मरकज बनी। इसलिए हाल ही में दो साइंसदानों ने इन पत्थरों की खुद ब खुद हरकत करने के राज की खोज निकालने का फैसला किया, और ये दावा किया कि इस वादी में पत्थरों की हरकत करने की वजह बर्फ है, जबकि इस ज़मीन पर इस वादी का शुमार गर्म तरीन इलाकों में होता है, और इस गर्म वादी में बर्फ़ की मौजूदगी हैरत अंगेज़ है। माहरीन के डेटा इकट्ठा करने के बाद ये अखज़ किया गया कि अक्सर रात को बारिश होने की वजह से नदी की सतह पर बर्फ़ की तह जम जाती है, जो सुबह के वक्त सूरज की रोशनी के बायस पिघलना शुरू हो जाती है और पिघल कर उन पत्थरों को आगे धकेलने का काम करती है, क्योंकि ये इलाका दिसंबर से लेकर जनवरी तक तूफानों की नज़र रहता है, जिस वजह से अक्सर बारिश पड़ने से ये वादी एक तालाब की शक्ल इख्तियार कर जाती है, और यही बर्फ़ पिघल कर पत्थरों को आगे धकेलती है। पत्थरों के धकेले जाने के बायस रगड़ के निशानात छोड़ जाती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के साथ जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।